नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना है, सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक प्लानिंग को बहुत ज़्यादा ना समय देते हुए डायरेक्ट एक्शन लेकर के रिजल्ट देखने की चेष्टा ज़्यादा करते हैं, इसलिए कई मरतबा जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। एक नेगेटिविटी सिर्फ इतनी होती है कि कई मरतबा जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से नुकसान होता है, इसलिए अगर पेशेंस थोड़ा सा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके अगर काम करेंगे तो हर काम में परफेक्शन व स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब शॉर्ट फिंगर होती है तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं हैं, जो कुछ हासिल करेंगे सब खुद के दम पर करेंगे, खुद के बलबूते पर जीवन शैली अपने और ज़्यादा सुधारते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन अथवा कंसिस्टेंसी के साथ अथवा पंक्चुअलिटी के साथ वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों की जो एक प्रकार से वैल्यू है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है कार्य क्षेत्र में। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अधिकतर काम खुद के दम पर करना इस कंडीशन पसंद करते हैं और कभी कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, तो यही रीज़न है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या कर्म बेकार नहीं जाएगा और खुद के मेहनत से ही आप अपना भाग्य लिख पाने में सक्षम रहेंगे। सैटर्न फिंगर जब हल्की टिल्टेड होती है तो हार्ड वर्किंग नेचर देता है, और जब थर्ड फिंगर भी थोड़ी बहुत टिल्टेड हो तो इस कंडीशन में बाहर का काम घर में लेकर के आने वाले देखने को मिलते हैं, यानी कार्य को तवज्जो ज़्यादा देते हुए देखने को मिलते हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है तो हल्की फुल्की आड़ी रेखा भी है, जो रिश्तों में थोड़े होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को भी व्यक्त करता है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट के निशाने होता है। इस कंडीशन में मेनली डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फिलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। और यहाँ पर जो योग का चिन्ह है ये आपको इंट्यूशन व सिक्स सेंस भी देगा, तो पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, ये मुँह से ऐसी बातें निकले जो सच होना, आपके द्वारा किसी के लिए निकली हुई दुआ बहुत जल्दी लग जाने वाली भी रहती है, और जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा रहेगा फायदे में बहुत रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बिना किसी ज़्यादा सोच विचारे बहुत हद तक मदद कर पाने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फ्लेंज पर जब आड़ी रेखा हो तो धनवान होने का सूचक होता है, और जो पाम का साइज है वो स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। कभी जीवन में किसी प्रकार के यहाँ पराक्रम, मेहनत, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। गुरु की स्थिति से यहाँ पर बात करेंगे तो आपका जो जुपिटर माउंट है, सबसे पहली बात, वो डेवलप बिल्कुल ठीक है। ऐसा जुपिटर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है, घर परिवार में भी समृद्धवान व्यक्तित्व ये देता है। यहाँ पर एक जो ट्रायंगल का साइन देखेंगे, जितने भी आज तक में रईस लोग देखने को मिले हैं, जिनका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहा है, या जो लोग बहुत रिस्पेक्टफुल रेपुटेटेड पर्सनैलिटी के हुए हैं, जिनका मेरिड लाइफ बहुत अच्छा हुआ है, पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लॉयल पर्सनैलिटी का, या फिर पार्टनर के आने के बाद जब भाग्योदय हुआ है, तो उनमें अधिकतर मामलों में ऐसा ही ट्रायंगल जुपिटर पे पाया जाता है। जुपिटर कारक मैरिज या आपके करियर का नहीं, बल्कि आपके बच्चों का, आपके संपूर्ण जीवन शैली का है, आपके स्वास्थ्य का भी है। तो जब ट्रायंगल होता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाई पोस्ट अथॉरिटी अथवा टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आप पहुँचेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैरिज के बाद ये जो जितने भी ये भाग्योदय की जैसी चीज़ें हैं ये सब एक्टिव उसके बाद ही होने वाली रहती है। इसके अलावा छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन्स भी हैं, तो ये सब एम्बिशियस नेचर की निशानी होती है। हाई थिंकिंग अप्रोच रखते हैं, अपने थिंकिंग डिज़ायर से ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप अपने लाइफ में रईस हो पाएंगे। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देती है, धर्म कर्म, दान धर्म, पूजा पाठ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बच्चे बहुत संस्कारी या लाभकारी देखने को मिलते हैं, तो ये जुपिटर कहीं से कहीं तक ज़्यादा कुछ स्ट्रेस, वरीज, ट्रबल दे नहीं रहा है, तो तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन जीवन में आपके रहने वाला रहेगा और ज्ञान का भी सदुपयोग आप कर पाएंगे। जितना हो सके दान धर्म करते रहें,
और ज़्यादा स्मूथनेस लाइफ में बढ़ती है। सैटर्न की आड़ी रेखा बहुत मूडी नेचर देता है, तो इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत होने के कारण कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए इवन आप भी ये चीज़ जज नहीं कर सकते, या फिर कब आप अपने डिसीजंस में परिवर्तन कर लें, क्योंकि जब आपका मूड अच्छा है तो आप 10 काम एक समय पर ख़त्म कर देंगे, मूड ठीक नहीं है तो एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके इमोशंस का जो यहाँ पर प्रभाव है वो आपके कर्म के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसीलिए ये भाग्य में अवरोधक का कारण बनता है और काम में अधिकतर मामलों में देरी या बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद काम बनते हुए भी देखने को मिलता है। आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा हमने देखी जो रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि शनि की आड़ी रेखा बात का बतंगड़, तिल का तार, राय का पहाड़ करती है। तो छोटी छोटी बातें कब कौन सी बुरी अच्छी लग जाए ये इस बात को यहाँ पर प्रमाणित करती है। तो यहाँ शनि का उपाय करना ज़रूरी है ताकि आपका भाग्य भी मजबूत हो, रिश्ता भी मजबूत रहे और जीवन में सुख शांति भी प्राप्त हो। अब आपकी जो भाग्य रेखा का उद्गम है वो देखेंगे तो केतु से निकला हुआ है और केतु की निकली भाग्य रेखा एनसिस्टर ब्लेसिंग्स यानी आपके पूर्वजों के आशीर्वाद को दर्शाती है। इवन कई केसेस में पूर्वजों के द्वारा प्रॉपर्टी या अचानक भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। मून लग लाइन जन्म स्थान से दूर होने वाले भाग्योदय, जन्म स्थान से दूर मिलने वाले अवसर को यहाँ पर दर्शाती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर ये रेखा चल रही है लेकिन ये रेखा में बिल्कुल भी वजन नहीं है, वजन मतलब बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये लाइन अराउंड 24 से लेकर के तकरीबन 28 और 9 के एज तक खासकर। अब यहाँ पर क्या है कि 29 के बाद में आपकी धीरे धीरे मरकरी लाइन निकलना शुरू हो रही है। जब मरकरी लाइन खासकर भाग्य रेखा से निकलती है तो ये स्किल्स को डेवलप करता है, स्पेशलाइजेशन ला करके देता है। और इस उम्र की हम काउंटिंग करेंगे तो ये निकलेगा 31, 32, 35 के एज में। तो इन सभी एजेस में और ज़्यादा स्किल्स आपके अंदर डेवलप्ड होता जाएगा। यही तो रीज़न है कि आपके हथेली में सूर्य पर स्टार का साइन भी मौजूद है जो व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है, अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा रईस, समृद्धवान, प्रसिद्धवान, धनवान या फिर बहुत ज़्यादा नामी इंसान ये बनाएगा आपको। हालांकि उस पर अभी हम आते हैं बाद में। अभी यहाँ पर देखें तो ये मरकरी लाइन आपके जो अर्निंग कैपेबिलिटी है उसको भी इनक्रीज़ करने लगता है। अब यहाँ देखेंगे तो कुछ कष्ट भी हैं, जैसे ये सब रेखा आकर के काट रही है तो 36 एंड 7 में आपको 40 में 42 का जो पीरियड रहेगा, इन सभी एजेस में मनी लॉसेस के चांसेस भी हैं। लेकिन ये रेखाएं बदलती भी हैं, आप सेटन रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हटेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मरकरी लाइन इतनी अच्छी निकली कि इसने प्योर मनी ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। तो यानी उम्र 35 तक आते आते आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड, सेटल्ड और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग लेवल पर देखने को मिलेंगे। और इस समय तक आते आते पैसा भी जीवन में अच्छा रुकेगा, बचेगा और बढ़ेगा भी। अब यहाँ से रेखा देखेंगे तो ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ से निकलते हुए हार्ट लाइन पर आकर के ब्रेक ली है। तो हार्ट लाइन हमारा इमोशन से और इमोशनल आपके डिस्टर्ब है, तो इस कारण से काम बनते बनते रुकना, काम में देरी होना या एन वक्त पर काम में परिवर्तन होने जैसे योग निर्मित होते हैं। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि संतुष्टि काम से मिलता नहीं है, तो इसीलिए सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करें। बाकी आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य अच्छा है, जीवन में जो भी इच्छा मनोकामनाएं रहेंगी निश्चित रूप से पूर्ण कर पाने के साथ साथ बड़े पद पर विराजमान भी होंगे आप। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, तो दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। अगर बारीकी से देखा जाए तो सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर से ही आपकी निकलती हुई जा रही है। जब भी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलती है तो मस्तिष्क हमारे बुद्धि जो है सक्षमता को, निर्णय लेने की सक्षमता को, सोचने समझने की सक्षमता को दर्शाता है। तो यानी आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा नेम फेम पाना चाहते हैं उससे कई गुना पाएंगे, क्योंकि सूर्य रेखा एकदम स्ट्रेट है। सूर्य रेखा स्ट्रेट का मतलब ये होगा कि आप डिसिप्लिन्स, रूल्स, रेगुलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने काम को समय के पहले ही कंप्लीट कर लेने के कारण और जुपिटर पे पॉजिटिव साइन होने के कारण एकदम से मैरिज के बाद उछाल आएगा जीवन में आपके, जिसके तहत प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी ये दोनों भी बढ़ेगा और नाम इज्जत तो बढ़ना ही है, उसके रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत यहाँ देख नहीं रहा है आपकी हथेली में। एक दो क्रोसेस के साइन है तो ये कई मरतबा जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन देगा, अनस्टेबिलिटी देगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टार का साइन क्रिएट हुआ है ये आपको ग्रेट लीडर भी बनाएगा, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी भी देगा। हालाँकि स्टार जैसा साइन सूर्य पर होना बहुत अच्छा होता है लेकिन स्ट्रगल में कोई कमी नहीं करवाता है सूर्य ग्रह। तो इस कंडीशन में जीवन में भागदौड़ी, संघर्ष और मानसिक तनाव ये सभी चीज़ें रहेगी, लेकिन ये सभी चीज़ें पे ऑफ करेगी। प्रॉपर वेल्दी पर्सनैलिटी यहाँ पर आपका रहेगा, इवन बहुत जो पोजीशन में लोग हैं उन सभी से आपके कनेक्शन, इवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप खुद के दम पर अपना हाई करने वाले रहेंगे। बीच में जो रेखा जा रही है इसे बुधादित्य योग कहते हैं, तो सीखने समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है और इंटेलिजेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मरकरी माउंट के ऊपर जाली का चिन्ह होना बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है मरकरी हमारा बुद्धि है, आपको बुद्धि बार बार
विचलित होते रहता है। जैसे मन विचलित होता है, बुद्धि भी विचलित होने का मतलब ध्यान भटकता है। आप बोलते कुछ हो रहे हैं, कर कुछ और लेते हैं और प्लानिंग होती कुछ और है। इस कंडीशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, कई मरतबा कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टीज आती है। कहना कुछ और चाहते, कह कुछ और जाते, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। मैनेजमेंट हल्का सा वीक होने लगता है। तो यहाँ पर बुध की रेमेडी भी करना ज़रूरी है ताकि आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा वज़न हो सके और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो सके, और इस कंडीशन में जो अर्निंग कैपेबिलिटी वो स्ट्रॉन्ग हो सके। हालांकि बिजनेस के लिए ये सारी रेखाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जाली नुमा आकृति होना मरकरी पर ज़्यादा ठीक नहीं होता। ये स्किन्स के रिगार्डिंग भी इश्यूज कई मरतबा दे देती है। और यहाँ पर जो मरकरी होता है वो हमारे थ्रॉट का कारक होता है, मतलब गले का, वाणी का, हमारे पराक्रम का भी, और जो भी हमारी बुद्धिमत्ता होती है इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं थोड़े नुकसान होने के योग निर्मित होते दिखते हैं। तो इसलिए इसका भी उपाय करना ज़रूरी है। आपकी जो हृदय रेखा के बारे में बात करें, तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के पहले एकदम सीधे जा रही थी, फिर अनदर लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट करी और फिर वो सीधे जुपिटर से कंजंक्ट यहाँ पर हो गई। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से भी रेखाएँ जुपिटर पर जा रही है। तो ये क्या करती है, आपको इमोशनल नेचर बना रही है। हालाँकि ये आपके नेचर मिक्स है। आप देखा जाए तो आपकी हथेली में सीमेन लाइन भी है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और फोकस्ड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। जुपिटर पर जाने वाली रेखा इमोशनल, सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो डिपेंड करता है कैसा समय परिस्थिति है, उसके अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इमोशनल डिसीजन लेने से डेफिनेटली नुकसान होता है ज़्यादा, और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने से भी फिर रिलेशन को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग टाइप यहाँ पर्सनैलिटी खासकर इमोशंस के रिगार्डिंग दर्शाता है। तो ये चीज़ ना हो इसलिए मेडिटेट करना, सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करना, ओम का उच्चारण करना, सुबह उठते से ही ओम का उच्चारण करना, ये सभी चीज़ें जब आप करेंगे, और जॉगिंग एक्सरसाइज जैसी चीज़ें भी, तो इसका, इन सभी चीज़ों का परिणाम ये निकलेगा कि जीवन शैली जो है धीरे धीरे सुधरने लगेगा। सबसे पहले तो दिनचर्या सुधरने लगेगा, इमोशंस पे कंट्रोल होने लगेगा। अदरवाइज़ देखें तो हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा दिक्कत आपके हथेली में नहीं है। इमोशनल डिसीजन लेने के कारण, सेंटिमेंट्स में आने के कारण अपने से ही धोखा खाने के योग निर्मित होते हैं। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में आइलैंड का फॉर्मेशन है। बचपन कष्टकारी, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ परेशानी में आपका बीता है। मंगल का इन्फ्लुएंस आपके माइंड लाइन में भी आया, तो इसने इमीडिएट एक्शन लेने पर मजबूर किया 22 केस तक। तो थोड़ा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा था। अभी के पीरियड की बात करें तो छोटे छोटे आइलैंड्स के फॉर्मेशन है। आइलैंड क्या करते हैं, थोड़ा मन भटकाते हैं और मेंटल प्रेशर तो देते ही हैं, इल्यूजन ज़्यादा देते हैं, भ्रमित ज़्यादा करते हैं। तो ये पीरियड कब का दिखा रहा है, ये 25 का है, 27 से लेकर 29 के मिड का है और 32 का है। तो इस पीरियड में थोड़ा आपको ट्रबल रहेगा मेंटली। इसके बाद में आपको कोई भी मेजरली दिक्कत नहीं है। आपकी माइंड लाइन वैसे लॉन्ग है और मल्टीपल बायफोर्के के साइंस है, तो इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी सब अच्छी देखने को मिलती है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, सीखने समझने की सक्षमता, छोटी से छोटी बातों को याद रखने की सक्षमता और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी, ये सभी के सभी आपको यहाँ पर इस प्रकार की माइंड लाइन देगी। अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज करेगी, इसीलिए यहाँ पर आपके हल्का सा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करता है। और इस कंडीशन में पैसा अच्छा आता है और पैसा बनाने की जो सक्षमता है, ऐसा माइंड लाइन बहुत अच्छा देता है। 33 के पहले तक आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि थोड़ा उठा पटक ज़्यादा रहेगा, बेफिजूल की भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में गेन करेंगे। ये साइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती है, बस यहाँ यह आपको सजेशन दिया जाएगा कि अपने ऊपर प्रेशर किसी भी हाल में ज़्यादा हावी ना होने दें। आपकी लाइफ लाइन में रेगुलर बेस्ड लाइंस काट रही हैं, तो ये लाइन जो काट के जाती हैं, ये सब हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देती है। और जैसे मंगल का इन्फ्लुएंस आता है, शुक्र का इन्फ्लुएंस आता है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फैमिली मैटर को जितना हो सके हल्के में लेवें। और ये सभी आएंगे कहाँ से, क्योंकि ये राहु के इन्वॉल्वमेंट है, तो राहु किसके अंडर में काम करता है, सैटर्न। सैटर्न रेमेडी आपने किया, ये सभी इश्यूज मोस्ट प्रोबेबली भी आपकी लाइफ में खत्म होते दिखेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके लाइफ में उम्र 18 से लेकर 20 के मिड में बढ़ा है, और इसके बाद ये रेखा सीधे बाहर की तरफ जा रही है, तो जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः रसने बसने के योग निर्मित होते हैं। शुक्र की तरफ भी रेखा आ रही है, तो फैमिली से कनेक्शन रहेगा, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस होने के चांसेस और परमानेंट सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर होने के चांसेस आपके पाम में हैं। सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी है आपके पाम में, तो स्पाउस का सपोर्ट, इवन दूसरों का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा समय समय पर। डिवाइन हेल्प इस कंडीशन में मिलती है, इसीलिए ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनका ज़्यादा गहरा असर नहीं रहेगा, लेकिन इसका असर रहे ही ना, इसलिए सैटर्न का रेमेडी परफॉर्म आपको करना है। इंटरनल व आउटर मस दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल और जाए मानसिक बल दोनों ठीक है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। साहस, हौसला, जुनून, ये
मरकरी बहुत माफ करें मार्स बहुत अच्छा देता है, और हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व इंटरनल मार्स देता है। जब मंगल अच्छा डेवलप्ड हो तो एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन करें, अर्थात फोकस अपना अच्छा रखें। जिस भी चीज़ में आपका फोकस अच्छा रहेगा उस टारगेट को डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, और इसके अंतर्गत एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, तमाम तरह के रॉयल्टी व स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाते हैं। सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है जो अपॉर्चुनिटीज देती है लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए। आड़ी रेखा थोड़ी ज़्यादा है तो अनवांटेड टेंशन प्रेशर से दूर रहें। ऐसा शुक्र तमाम तरह का इन्जॉयमेंट, जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस आपको देगा, इवन लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी। यहाँ पर यह दर्शाता है केतु कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड ठीक करा, हल्का सा, बहुत हल्का सा यहाँ पर आपका फिश सिंबल का साइन देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर अगर ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है तब जाकर के लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस और अचानक से धन लाभ की स्थिति, भाग्योदय की स्थिति निर्मित होगी। चंद्र से निकली भाग्य रेखा मन का अधिकतर काम कराती है, तो आप अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले भी रहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है आपके हथेली में कि मरकरी लाइन के द्वारा प्योर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो आपके जीवन में दो भाग्य है। एक जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो जीवन में तमाम तरह की कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगा, अनवांटेड टेंशन प्रेशर ऐसी सारी चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। शादी के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली बढ़ने वाली है, और सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करने के बाद माइनर इशूज़, इमोशंस या वर्क के रिगार्डिंग आपके खत्म होते देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इंटरनल पीस और सेटिस्फेक्शन फिर आपको मिलेगा। लेफ्ट हैंड में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लक लाइन सैटर्न तक पहुँचा, लेकिन सैटर्न की आड़ी रेखा यहाँ पर अभी भी काट रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो बार बार काम से मन भटकने के योग निर्मित होते, काम में परिवर्तन करने का मन करता है, इसीलिए सूर्य के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन आ जाती है जो मल्टीटास्किंग नेचर को हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के योगों को निर्मित करता है। और आपकी हथेली में मरकरी लाइन है तो ध्यान रखें, जॉब के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट थोड़ा कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मरकरी है राइट हैंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब है वो, इसलिए मरकरी का रेमेडी करना है। मरकरी के रेमेडी में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, गाय को हरा चारा निश्चित रूप से खिलाते रहना है, अथवा बुधवार के दिन खासकर जो मूंग है उसको भिगो लें आप ट्यूज़डे को ही, और वो मूंग जा करके अपने घर पे दीवार पे रख दें, छत पर रख दें, चिड़ियाँ खानी चाहिए, और वही मूंग जो है ले जा करके आप गाय को भी दें, वे हरा चारा देते रहे और विष्णु जी की आराधना करते रहे, विष्णु सहस्त्र नाम है एटलीस्ट वो सुने। ये सब करने से आपका मरकरी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, तो बातें मन में नहीं दबेगी, जो भी माइनर इश्यूज जो मरकरी के रिगार्डिंग आते दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, वर्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग, ये सभी चीज़ें आपकी ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी, और अपने बातों से इजिली अट्रैक्ट कर पाने के साथ साथ बिजनेस का जो प्लानिंग है उसमें सक्सेस आपको मिल पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।